जय गुरु। जोहार, मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस टॉपिक में अगेन हम लोग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है इसमें, पाली, प्रकृत और संस्कृत, ये तीन भाषाओं के बारे में हम लोग इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जानकारी लेंगे। MG1 NAP का ही ये पेपर है, लेक्चर नंबर 65। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये आपको संस्कृत, पाली और प्रकृत भाषाओं के बारे में जानकारी देगा इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। हम लोग ये जानते हैं कि संसार की जो उपलब्ध भाषा है वो संस्कृत प्राचीनतम में आती है, आकलन उसी होती है। इस भाषा पे प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा की रचनाएं होती रही हैं, साहित्य लिखा गया है इस भाषा में। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों भी इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चलती आ रही है। उस परंपरा की रचनाएं भी आज बची हैं और साथ ही साथ इससे उच्चारण की विधि भी पूर्ववर्त रही है। इसमें कोई मौलिक परिवर्तन आज के समय तक में नहीं हुआ है। आधुनिक संस्कृत की जो उत्पत्ति हुई है या विकास हुआ, इससे पहले प्राकृत या मध्य इंडो आर्यन भाषाओं के नाम से जानी जाती थी। भाषाओं का एक समूह रहा है और जिससे शास्त्रीय भाषाओं से उत्पन्न माना गया है। ये प्राचीन स्थानीय बोलियां रही हैं और इनमें से कई अपने आप में महत्वपूर्ण साहित्यिक माध्यम बन गई है। पाली इस समूह की सबसे प्रसिद्ध भाषा अभी भी श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमाणिक भाषाओं में गिनी जाती है। अन्य प्राकृत भाषाएं जैसे सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी और गांधारी, ब्रह्मवादी, ब्रह्मणवादी और साथ ही साथ हिंदू और बौद्ध साहित्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक रहा है। इस लेख में या इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप प्राचीन भाषाओं यानी संस्कृत, पाली और प्राकृत लैंग्वेज के बारे में इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको जानकारी। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको संस्कृत के बारे में इसमें जानकारी दूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा से तमाम यूरोपीय भाषाएं प्रेरित लगती हैं, क्योंकि दुनिया भर में फैले तमाम विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से ही मिली जुली है। संस्कृत ईसा पूर्व से 5000 या 5000 साल पहले से बोली जाती है। संस्कृत आज भी भारत की राजभाषा है। हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय केवल पूजा पाठ एवं कर्मकांड की भाषा बनकर रह गई है। हिंदू धर्म में संपन्न होने वाले सभी शुभ कार्यों में वेद मंत्र का पाठ किया जाता है और जिसकी भाषा संस्कृत ही है। वो भाषा जो कई यूरोपीय भाषाओं से सबसे अधिक मिलती जुलती है, ये बोलचाल की सबसे इम्पोर्टेंट भाषाओं में से काउंट होती है, परंतु जिनमें पाली और प्राकृत भी शामिल रही है। भारत की जो मूल भाषा रही है वो संस्कृत है। आर्यों द्वारा प्रयुक्त भाषा अधिक बुनियादी रही है, शास्त्रीय संस्कृत से मिलती जुलती है। व्याकरण पाणिनि जो चौथी या सातवीं शताब्दी के काल में संस्कृत भाषा ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को प्राप्त किया है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत में प्रयुक्त भाषाएं संभवतः पाणिनि के कार्य की प्रेरणा देती है। बोला गया है कि वैदिक साहित्य लगभग 1500 ईसा पूर्व का है और संस्कृत साहित्य भारत के लौह युग के संस्कृत महाकाव्यों की मौखिक परंपरा के साथ जारी की गई है, जो 1200 ईसा पूर्व और कांस्य युग से पहले शुरू हुआ था। वैदिक संस्कृत का प्राथमिक भाषा के रूप में महत्व कम होने के कारण ही 1000 या 1000 ईसा पूर्व के आसपास यह शिक्षा और धर्म के द्वितीयक भाषा बन गई। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मैं प्राकृत के बारे में आपको बताऊंगी। प्राकृत जो भाषा है वो तीसरी और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह रहा है। साथ ही साथ यह 500 से ईसा पूर्व 1000 सन तक का माना गया है। धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृत भाषा का अधिक व्यवहार में लाया जाने लगा। इसके चार रूप विश्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि इनके जो चार रूप हैं वो किस तरह के हैं।
पहला रूप है अर्धमागधी प्राकृत, जिसके बारे में बता दूं, इसमें जैन और बौद्ध साहित्य अधिक है। इसका मुख्य क्षेत्र मगध था। दूसरा रूप है पैसाची, इसे भी पैसाची प्राकृत बोला जाता है। इसका क्षेत्र देश का पश्चिमोत्तर भाग था और विद्वान कश्मीरी आदि भाषा को इसकी उत्तराधिकारी मानते थे। तीसरा है महाराष्ट्री प्राकृत, यह व्यापक रूप से प्रचलित थी और महाराष्ट्र में फैली होने के कारण इस नाम से पहचानी जाती थी। और चौथा है सौर सेनी, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये इसका जो क्षेत्र है मथुरा और मध्य प्रदेश का आंचल था। इस भाषा में अनेक ग्रंथ रचे गए जिनमें जैन धर्म ग्रंथों की संख्या अधिक है। संस्कृत के प्राचीन नाटकों में भी स्त्री पात्रों और जन सामान्य के संवादों के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है। मध्य देशी भाषा ही बाद में सौर सेनी प्राकृत का क्षेत्र बनी। प्राचीन सुरसेन जनपद के नाम पर इसका नामकरण किया गया और मथुरा इसका केंद्र रहा। आधुनिक विद्वानों ने इन भाषाओं को उनके व्यापक दायरे के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जैसे कि धार्मिक प्राकृत, साहित्यिक प्राकृत, नाटकीय प्राकृत, व्याकरणविदों की प्राकृत, अतिरिक्त भारतीय प्राकृत, शिलालेख प्राकृत और लोकप्रिय संस्कृत। ये कुछ ऐसे श्रेणी हैं जिनमें से बांटा गया। ये श्रेणियां स्पष्ट रूप से निर्विवाद नहीं है, क्योंकि कई प्राकृत भाषाएं जिनमें से कई कार्य हैं महत्वपूर्ण ओवरलैप रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि सौर सेनी जैसी भाषाओं को सभी चार समूहों में संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा माना भी गया है कि प्राचीन भारत में प्राकृत भाषाओं को संस्कृत की तुलना में कम सामाजिक दर्जा प्राप्त था। कालिदास के शकुंतला जैसे संस्कृत मंच नाटकों में छोटे पात्र और अधिकांश महिला भूमिकाएं संस्कृत बोलती थी, लेकिन अधिकांश छोटे पात्र और अधिकांश महिला भूमिकाएं प्राकृत भी बोलती थी। ये उतनी ही जरूरी भाषा रही है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं पाली भाषा के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो इसका उद्भव और विकास हुआ है वो आचार्य बुद्ध घोष ने अठकथाओं में पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के पाठ अर्थ में किया है। यथा इमानी ताव पालियम अठ कंठायम्पन विशुद्ध मग्ग। इसी प्रकार दीपवंश, चलवंश आदि में पली यानी पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन मूल त्रिपिटक अर्थ में किया गया है। महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचार्य ने पाली शब्द का विकास पंक्ति शब्द से लिया गया है या पंक्ति शब्द से किया है, यानी इसका जो वर्ड है उसको पंक्ति शब्द बोला गया है। पाली शब्द का क्रमिक विकास निम्न प्रकार से रहा है, जैसे कि मैं आपको इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसका है पंक्ति पंक्ति पत्ती पल्ली और फिर पाली। बहुत बार पाली को इस तरह भी लिखा जाता है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय साहित्यिक भाषा रही है। वर्तमान शोध के अनुसार पाली कई प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है जिन्हें 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मिश्रित और भारी रूप से सांस्कृतिक किया गया है। पाली नाम, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थेरवाद सिद्धांत का भाषा को दर्शाता है। जब पाली जैसा कि मूल पाठ की उद्धृत पंक्ति में है को प्रतिलिपि में इसके आदि या इसके बाद आने वाले टिप्पणी या स्थानीय अनुवाद से अलग किया जाता है, तो यह वाक्यांश टिप्पणी परंपराओं में विकसित हुआ प्रतीत होता है। यानी कि ये पूरी बात टिप्पणी के हिसाब से भी प्रतीत की जा सकती है। साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि पाली विहित पाठ में प्रकृत नहीं होती है और ताती जो
अब इस वर्ड को आप देख पा रहे होंगे, ताती जो है जो धागे या वंश को दर्शाती है, का उपयोग कभी कभी टिप्पणियों में भी किया जाता है। यानी कि जब भी आप बोलचाल के आदिकाल, जैसे कि आप नॉर्मल बातें कर रहे हो, उस बीच में अगर आपको टिप्पणी देनी होती है किसी विषय पर या किसी विशेष संदर्भ पे, तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रतीत भी होता है कि इन नाम को की उत्पत्ति श्रीलंका में दूसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में एक दरबारी और साहित्यिक भाषा के रूप में पाली के पुनर्जन्म के दौरान हुआ था। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा रही है, जिसका उपयोग बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों से भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महायानियों के अनुसार बुद्धोपदेश की रक्षा मूल सर्वास्तिवाद के ग्रंथ संस्कृत में, महासाधिक के प्राकृत में, महासम्मतीय के अपभ्रंश में तथा स्थावीर संप्रदाय के पैसाची में भी इसको अंकलित किया गया है। हीनयानों के अनुसार बुद्धोपदेश पाली भाषा में भी दिया गया है। इसी आधार पर श्रीलंका के भिक्षुओं ने मगधी भाषा को ही पाली भाषा समझकर मगध को पाली भाषा का भूभाग माना। मगधी भाषा का पाली भाषा में तुलनात्मक अध्ययन करने पर अनेक मौलिक भिन्नताएं परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने अनेक विचारणीय बातों को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी आलोचना या अवलोकन अगर मैं करना चाहूँ या निष्कर्ष देना चाहूँ, तो संस्कृत बाद की भारतीय भाषाओं और साहित्य की नींव थी। पाली और प्राकृत संस्कृत से उत्पन्न होने वाली पहली भाषाएं थी। पाली का उपयोग बौद्ध विचारों के प्रसार के लिए किया जाना था या जाता था, जबकि प्राकृत का उपयोग ज्ञान सिद्धांतों के प्रसार के लिए किया जाता था। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है, जबकि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इतना ही आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी बातों को मैं वन बाय वन, यानी कि मैं कभी एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊं जिसमें सिर्फ पाली भाषा या सिर्फ संस्कृत या सिर्फ प्राकृत या तमिल या अदर जितनी भी भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट है, उनके बारे में जानकारी दे सकूं। आपको अपने जानकारी के लिए इतनी थोड़ी बहुत जानकारी भी काफी रहेगी आपके सोच को और बढ़ाने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि इनका विस्तार और आगे के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर पाऊं। जय गुरु, धन्यवाद।